हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है पंकज कुमार बौद्ध के चैनल में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है पंकज कुमार बौद्ध के चैनल में। तो गाइस, आज सुबह नाश्ते में मैंने दीदी के लिए बनाया है, अपनी पौड़ी के लिए बनाया है मूली का पराठा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मूली के पराठे गर्मा गर्म। तो गाइस देखिए, मूली का पराठा और इसमें है मक्खन और हरी चटनी और है गर्मा गर्म चाय। तो दीदी खाएंगी इसको, फिर बताएंगी मेरे को कैसा बना है। और मैं परी को दिखाती हूँ, परी क्या कर रही है। परी देखो, लेटी हुई है और टीवी देख रही है, पहाड़ी गाने देख रही है। पहाड़ी गाने, परी बोल दो, क्या देख रहे हो परी। पहाड़ी गाना, कौन सा गाना देख रहे हो बाबू। यहाँ देखो, ये देखो पहाड़ी गाने सुन के देखो कैसा डांस करती है। कर दो। तो गाइस मैं पराठे बनाती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद नाश्ता करके। सबने खा लिया है, हम दो जने खा रहे हैं। तो बड़े टेस्टी बने, मैं खुद की तारीफ खुद से कर लेती हूँ। बड़े टेस्टी बने हैं, मक्खन के साथ खा रहे हैं, चटनी के साथ। कैसे बने हैं? अच्छा बने हैं। जोर से बोलो। अच्छा बने। देखिए मैंने सारा सामान यहाँ पे रख दिया है, पत्ता गोभी और मसाले, शिमला मिर्ची, टमाटर भी पीस के रख दिया है, और प्याज भी रख दिया है, तेज पत्ते, लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने इस बट्टे में आपको, और इसमें मैंने चावल उबाल के रख दिया। चावल तेल गर्म हो गया है, मैंने अंडा जो फेंट के रखा था इसमें थोड़ा सा प्याज वगैरह भी डाला है, तो मैं इसमें डालूंगी। अंडा बना के मैंने रख दिया और अब मैंने इसमें तेल डाल दिया। अब मैं मसाला बनाऊंगी, तो मैं मसाला बनाते हुए आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने डाला है इसमें जीरा, आप भी डाल लो बाबू। दो कुर्सियाँ होंगी ना, दे दो एक कुर्सी और दे दो उसको। तो बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे कह रहे हैं मामी क्या करिए, हम भी देखते हैं। तो बैठे हुए मेरे साथ, देखिए उनको भी देखिए। के बाद में इसमें डालूंगी लंबे जो मैंने प्याज काट के रखे थे वो डालूंगी। ब्राउन हो रहा है तो अच्छे से
हैं, थोड़ा सा और इसको पकाते हैं, फ्राई करते हैं। आज मेरा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। नमस्ते दीदी, लहसुन अदरक भी मेरा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर जो मैंने पीस के रखा है। तो गाइस बन चुका है मेरा अंडा फ्राइड, तो देखिए बाहर से अंदर बना के ला गई हूँ मैं। और है ये तिल की चटनी बनाई है इसके साथ, टेस्टी होती है, आप भी ट्राई करना। तो गाइस अब सब मिलके खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा बना था।
तो गाइस उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आलू बैंगन की सब्जी बन चुकी है। ये भी चूल्हे में ही बनाई थी, तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए तो गाइस देखिए सब्जी भी बन चुकी है आलू और बैंगन की। अब रोटी वोटी, तो गाइस सब्जी तो बन चुकी है, अब थोड़ी देर में रोटी वोटी बनाएंगे। चूल्हे में हम ज़्यादा खाना बना रहे हैं क्योंकि सर्दी के दिन है ना, आग भी सेक लेते हैं और सब्जी अब्जी भी बन जाती है हमारी आराम से। रोटी तो हम गैस में ही बनाते हैं। बस गाइस आज की वीडियो मैं इधर पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में नए दिन के साथ। तो गाइस आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। तो गाइस बाय।